अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद असलम, आप वॉच कर रहे हैं असलम स्पोर्ट्स चैनल। वेलकम टू माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो आज की बहुत अहम टॉपिक है हमारे लिए, इस पर डिस्कस करेंगे। वो ये है कि पाकिस्तान एशिया कप 2022 का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फाइनल मैच हार चुका है। उस पर काफ़ी सारे प्लेयर ने भी रद्द अमल दिखाया है, फैंस ने भी रद्द अमल दिखाया है, और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं, और उस पर हम डिस्कस करेंगे क्या वजह थी, क्या रीज़न थी, और मतलब प्लेयरों का क्या रद्द अमल था। वो सारी तफसीलात आपको इस छोटी सी वीडियो में तफसील के साथ सुनाते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, कि टॉस जीतकर फर्स्ट फील्डिंग करने का फैसला किया था, और पाकिस्तान ने मतलब पहले 58 स्कोर पर उनके 5 खिलाड़ी आउट किए थे। स्ट्राइक्स के ऊपर 10 ओवर में स्ट्राइक्स के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे श्रीलंका टीम के। तो फिर आगे चित्र में लस वगैरह और जो उनके प्लेयर थे काफ़ी अच्छे अंदाज के साथ, चित्र में लस थोड़ी नहीं अच्छे अंदाज के साथ मतलब बाकी प्लेयरों ने मेनटेन किया, और एंड तक टारगेट को जो ले गए थे वो 171 रन था। वहाँ पर उन्होंने हद्दअप दिया पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने सीजन के जब स्टार्ट लिया तो इफ्तिताह में ऐसे लग रहा था कि जैसे टेस्ट मैच का फर्स्ट डे मतलब स्टार्ट ऐसे लिया था। उसके बाद बाबर आजम आउट हुए, उसके बाद फखर जमान आते ही पहली बॉल पर बोल्ड आउट हो गए थे। तो जब फखर जमान आउट हुए तो पाकिस्तान की मतलब टीम को काफ़ी धक्का लगा, लेकिन रिजवान और इफ्तिताह अहमद की अगर बात की जाए तो उन्होंने एंड तक खेला यार, तकरीबन एंड तक ही खेले। रिजवान तो 15 ओवर एंड तक खेलता रहा। मतलब अगर कोई आपका ओपनर प्लेयर 15 से 20 ओवर T20 में खेल लेता तो कम से कम 85 रन 90 रन बनाने चाहिए उसे, लेकिन हमारे प्लेयरों का हाल आपने देखा है। चलो ये तो बात थी मैच की हालत की। तो पाकिस्तान 147 पर आल्टिंग आउट हुई और 20 ओवर भी कम्प्लीटेड हो चुकी है। जो एशिया कप 2022 का टाइटल था वो श्रीलंका का नाम हुआ। इसके अलावा आपको बताते चले कि नेक्स्ट जो मैच था इंग्लैंड के साथ सीरीज भी है, वो भी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उस पर आपको बताते चले कि टीम में अगले फाइनल हारने पर रद्द अमल ये दिया था कि अगर आप लोग दोस्तियाँ निभाएंगे और किसी के साथ हसद रखेंगे तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता नहीं करेगा। इस पर जो शाहिद आफरीदी ने ट्वीट किया कि आप लोग बस दुआ करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ICC T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें मतलब हम अच्छी कारकर्दगी पेश करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को ट्रॉफी लेके देंगे। लेकिन वो बात का मसला मेरे ख्याल में जो भी होगा वो अच्छा होगा इंशाल्लाह। बाकी मुश्ताक अहमद ने यहाँ पर ट्वीट किया था, मतलब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जो बहर मतलब शायकीन होते हैं या बहर के लोग होते हैं जो टीवी पर मैच को देख रहे होते हैं या स्टेडियम में आके मैच को देख रहे हैं, उनकी फीलिंग अलग होती है। जो ग्राउंड में उतरे हुए होते हैं या ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं वो और सुनहरे होता है, वो मतलब अलग अलग सुनहरे होता है। यहाँ पर मेरी मतलब शादाब के कान से खून निकल रहा था, आज सबके हाथ से 5 लाख आए थे, तो इसलिए हम मैच आ रहे हैं और हम स्ट्रेस ले गए थे, हम प्रेशर ले गए थे, फलाह हो गया था, इस किस्म का उन्होंने मतलब अपना ट्वीट दिया था। लेकिन ये चीज़ वाकई उनकी सही है, मतलब जो बंदा मैदान में खड़ा है, बैटिंग पे खड़ा है, बॉलिंग पे खड़ा है, उनका अलग सुनहरे होता है। लेकिन अगर आपने मेनटेन करना, यहाँ पर 171 का कोई काफ़ी लंबा टारगेट नहीं था, उसको चीज़ करना आसान नहीं था, तो मुश्किल भी नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन चेज़ कर सकते थे। लेकिन इन्होंने जो रद्द अमल दिखाया पाकिस्तानी टीम ने, जो स्टार्ट लिया, जैसे यकीन करें इतना अफसोस होता है कि उन्होंने एक जैसे मतलब टेस्ट मैच स्टार्ट होता है उसी तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था और टारगेट भी मतलब चेज नहीं कर पाए थे। तो फिर शेख मलिक ने जो उसका ऊपर काफ़ी लोगों ने मतलब वो किया कि आप गलत कर, आपने मतलब ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था, गलत किया था फलन किया। और बाकी मैं तो यही कहूँगा कि शेख मलिक ने अच्छा ट्वीट किया। अगर वहाँ पर उनके पास हैदर अली मौजूद था यार, एक मैच में भी उसको मौका नहीं दिया, आप उसको ले ही क्यों गए हैं वहाँ पर? वो आपके किस काम का था? अगर हैदर अली को ले के जाना था तो कम अज़ कम उसको एक मैच हांगकांग के खिलाफ मौका दे दो, श्रीलंका के खिलाफ जो पहला मैच था वहाँ पर मौका दो, कोई मैच अहमियत रखने वाला नहीं था, वैसे भी हार गए थे। अगर हैदर अली को मौका दे दो तो उसकी परफॉर्मेंस का पता चल जाता, नेक्स्ट फाइनल के लिए वो मतलब खेल सकता था। वो अच्छा प्लेयर है और अच्छी कारकर्दगी पेश कर सकता है, लेकिन नहीं, इफ्तिताह को खिलाया है, आसिफ को खिलाया है, कुछ दिन शाह की बैटिंग देखी है, किस काम का है? किसी काम का नहीं। वहाँ पर हैदर अली की जगह बनती थी, लेकिन नहीं, मतलब हस्ता चल रहा है, ये लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इन लोग। फिर देखने का अंदाज देखो बाबर आजम का, कोई खास नहीं, बाबर भी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अलग गलत हैं, लेकिन जो उन्होंने इस एशिया कप में कारकर्दगी दी है, शायकीन को काफ़ी मायूस किया। मैंने कल एक वीडियो देखी थी, उसमें एक औरत रो रही थी, मतलब बुढ़िया थी, रो रही थी, वो कह रही थी कि ये क्या करने आते हैं यहाँ पर,
करके दिखाए ना कुछ, बाकी इनकी मर्जी है। बाकी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में सीरीज है इंशाल्लाह, अल्लाह बहुत पता देगा। तो फिर इंशाल्लाह मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को भी लाइक करके जाना।